सोना एक चमकदार व कीमती धातु होती है। यह शाही शक्ति के रूप में प्रतीक मानी जाती है। सोने का प्रयोग आभूषणों व मुद्राओं में किया जाता है। सोने अपने आप में ऐसा आकर्षण रखता है जिसे हर कोई पसंद करता है। वहीं यदि आप सपने में सोने को खरीदता हुआ देखते हैं तो यह भविष्य में कैसा फल देगा, यह सपना शुभ है या अशुभ है, स्वप्न शास्त्र में ऐसी क्या व्याख्या है, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल फॉर यू फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नई जानकारी के वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों यदि आप सपने में सोने को खरीदा हुआ देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि यह सपना आपकी सौभाग्य वृद्धि की ओर इशारा करता है। आपके जीवन में ज्ञान व प्रेम की वृद्धि होगी, आपको एक शक्तिशाली के उभर कर आएंगे। ऐसे सपने अपने आप में बहुत खास होते हैं। कहीं कहीं स्वप्न शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि यह सपने आपकी विलक्षण प्रतिभा व बौद्धिक ज्ञान को भी प्रदर्शित करते हैं। आप अपने जीवन में धन का संचय करने में सक्षम होंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त होगी। समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। नौकरी से जुड़े हुए क्षेत्र में कार्यकरण वाले व्यक्तियों को पदोन्नति की प्राप्ति होगी। मनोवैज्ञानिक रूप से भी सपने में सोने को खरीदता हुआ देखना सकारात्मक रूप में माना गया है। यह सपना बताता है कि समाज में लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, उनके बीच में आप पॉपुलर है तथा अपने खुले विचारों के साथ अपनी बात रखते हैं। एक महत्वपूर्ण विशेष बात, यदि आप सपने में बार बार सोने को खरीदते हुए देखते हैं, जैसे सोने की चेन या सोने की अंगूठी, तो यह बताता है कि भविष्य में आपको सोने से संबंधित वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। वही स्वप्न शास्त्र में यह सपना माता लक्ष्मी की कृपा को दर्शाता है कि माता की आप पर विशेष कृपा हुई है, तब थावे आपसे प्रसन्न है, जिससे आपके जीवन में खुशियां व धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं तथा ओम जय साईं राम जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरा करें। जय साईं राम।